जो पावर है अफगानिस्तान में वो 3 लेवल पे है। पहले लेवल पे पाकिस्तान का, ये इससे आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं, पाकिस्तान का पावर है ये कि पाकिस्तान की सरहद मिलती है अफगानिस्तान से, ये बहुत बड़ी ताकत है पाकिस्तान की। दूसरी चीज पाकिस्तान की ताकत है कि सरहद मिलने की वजह से जब भी गोरा आया अफगानिस्तान तो पाकिस्तान के थ्रू आया बिल्कुल है ना, 1979 से 89, क्योंकि 1979 के बाद तो बिल्कुल ईरान में, ईरान में तो मामला खराब हो गया था, बिल्कुल आयतुल्ला वगैरह लोग आ गए थे खुमैनी वहां पे, तो वहां पे जी बिल्कुल यू नो उनके ऊपर सैंक्शंस वगैरह लग गए थे, तो लोगों ने जी बिल्कुल पाकिस्तान का जो रास्ता था वो इख्तियार किया। तीसरी जो चीज है कि जो वहां पे हकानी नेटवर्क के लोग हैं वो पाकिस्तान समझता है कि हमारे लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे हकानिया जो है आपका जो जो यहाँ पे मदरसा है उससे पढ़े हुए अकोड़ा हैं लोग कटक वहां के, नौशहरा में बिल्कुल जी, तो वहां पे खटक में पढ़ रखे हैं ये लोग, तो बोला कि ठीक है साहब यहाँ के पढ़े हैं तो ये हमारा एक, और पाकिस्तान का दखल रहा है अफगानिस्तान में आज से नहीं दहाइयों से रहा है दखल। बिल्कुल एंड पाकिस्तान लुक्स एट अफगानिस्तान एज इट्स बैकयार्ड, राइट। हाँ, इंडिया, इंडिया का सिर्फ, अच्छा इंडिया का ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पे, लेकिन भारत का एक पावर है जो और किसी मुल्क का नहीं है कि आम अफगान बहुत प्यार करता है भारत से। मैं अफगानों से बात करता हूं तो वो कहता है कि मेरे मेरे जो वालिद साहब थे उन्होंने खुदा गवाह की शूटिंग देखी है अमिताभ बच्चन की, मतलब मैं सॉफ्ट पावर की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान का जी अफगानिस्तान में हार्ड हार्ड पावर रहा है। और पाकिस्तान ने हर समय यह कोशिश करी है कि जो पश्तून नेशनलिज्म है वो उभर के ना आए। क्यों मैं थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात भी करता चलूं अगर जी आप प्लीज इजाजत दें तो, प्लीज प्लीज कीजिए। अभी देखिए जो मंजूर पश्तीन है वो तो लेफ्ट लीनिंग है, वो तो कम्युनिस्ट आदमी है, ठीक है, या आपके मोहसिन दागर अली वजीर ये तो सब मार्क्स वार्क्स वाले हैं ना, ये तो सब लेफ्ट लीनिंग कम्युनिस्ट लोग हैं, ठीक है, ये हैं उस टाइप के, इनका इनका दिमाग वैसा है, जी पर इन जी लोगों ने तो कभी कभी नहीं बोला कि हथियार उठा लो और ये कर लो और मार दो मार दो, ठीक है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल सर लेकिन पाकिस्तान को ट्रेडिशनली पश्तून नेशनलिज्म से बड़े इख्तलाफात रहे हैं और बलोच नेशनलिज्म से भी बड़े इख्तलाफात रहे हैं, बिल्कुल इसलिए वहां पर भी जो मौलवी हजरात हैं उनको पैसे दे के एक एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म ऑफ इस्लाम वहां पे भी जन्म लाए और बलूचिस्तान में भी जन्म दिया उसको, उसको काउंटर करने के लिए। लेकिन बात यह है कि अच्छा इससे क्या होता है कि मैं जब हम लोग दिल्ली में कहते हैं रायता फैलता है फिर पूरा फैलता है, देन यू कांट कंट्रोल इट, जब रायता फैलेगा तो बिल्कुल मेरे घर में ही फैलेगा आपके घर में फैलेगा, तो फखर साहब ये हो गया कि अब फिर ये बोला कि अफगान स्ट्रीट जो हमारा एक्चुअल पावर है, तालिबान नो दिस, दे हैव बिकम स्मार्ट, हरकतें उनकी पुरानी जैसी हैं लेकिन दिमाग में मुझे लगता है इजाफा हुआ है और अकल में, काफी हाँ अकल में इजाफा हुआ, तेज लोग हैं वो, समझदार लोग हैं। अच्छा वो कई बार ये बोल चुके हैं पाकिस्तान को कि आप हमारे लिए क्यों बात करते हैं, बिल्कुल कह चुका यस और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को भी और शहबाज शरीफ साहब को भी ये बात समझनी चाहिए कि जब वो खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि जनाब ऐसा है कि हमारे मसले, ठीक है हाँ हम खुद सुलझा लेंगे, हमारे मसले हमारे हैं, पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, उसके बिल्कुल बाद भी इंटरनेशनल फोरम पर जाके अफगानिस्तान अफगानिस्तान करना मुझे लगता है गलत है, और वो लोग अप्रिशिएट नहीं करते, तालिबान अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करता। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। और वो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे उन्होंने ये बात 15-16 अगस्त से ये बात शुरू की, और आज तक वो यही कहते हैं कि भाई आप हमें छोड़ दें, हम जाने अमेरिका जाने हिंदुस्तान जाने, या आपके साथ भी ताल्लुकात अगर हमारे पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के साथ हो तो वो हम अपने तरीकाकार से करेंगे, आपके कहने पे नहीं करेंगे कि कैसे हमने किसी के साथ रिलेशनशिप। फकर साहब जी सर एक मैं बात और कहना जरूर चाहूं सर जो जरूर कि सर मैं पहले भी कह चुका हूं और लोगों को शायद पसंद ना आए पाकिस्तान में, अक्सर मैं पाकिस्तानियों को देखता हूं बोलते हैं कि हमने हमने ना हमने 50 लाख अफगानों को बैठ के खाना खिलाया, ये मैं अक्सर देखता हूँ जी जी इंडिया बहुत में। ज्यादा बात की जाती है हाँ इंडिया में भी एक फिल्म बनी थी काबुल एक्सप्रेस जिसमें जॉन अब्राहम थे और अरशद वारसी थे, उसमें भी पाकिस्तानी एक्टर थे, मैं उनका नाम भूल गया, वो बहुत जबरदस्त एक्टर हैं, वो उसमें पाकिस्तानी एक्टर हैं, वो इश्किया फिल्म में भी थे, मैं उनका नाम नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जी उनका मैंने इंटरव्यू देखा था, उन्होंने भी ये बोला था कि हमने बैठ के अफगानों को खिलाया है, वो कह रहे हैं मैंने इंडियन से वो डायलॉग डलवाया बीच में, उनका बयान है कि मैंने जानबूझ के डलवाया, आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं जी 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 राइट जब उनको काबुल एक्सप्रेस में थे, वो बड़ा जबरदस्त एक्टर है, बहुत जबरदस्त एक्टर है, राइट उन्होंने इश्किया में ही प्लेड द रोल ऑफ अ माफिया डॉन, और हाँ और बड़े जबरदस्त एक्टर हैं वो, मैं उनका नाम भूल गया, तो उन्होंने ये बोला था ये जो माइंडसेट है, देखिए अब अफगानों से बात करते हैं तो अफगान पता है क्या बोलते हैं,
और मेरी जान पहचान है अफगानों से, वो कहते हैं साहब हाँ बिल्कुल ठीक बात है कि पाकिस्तान ने हमें पनाह दी जब हमें पनाह की जरूरत थी, बिल्कुल लेकिन लेकिन पाकिस्तानी कभी अपने दिल से पूछे कि हमें पनाह की जरूरत पड़ी क्यों, हाँ हमारे घरों में आग किसने लगाई? तो वो कहते हैं कि जब 79 और 89 के बीच में जब रूस था वहां पे और जब पहला अफगान जिहाद हुआ था, जी तो पाकिस्तान ने CIA से पैसे लिए और यहां पे फसाद करवाए, इसलिए हम भागे। अब फिर दूसरी बार जब 9/11 हुआ, जी जब 9/11 हुआ वहां पे, तो फिर जो भी असला बारूद अफगानिस्तान के अंदर गया फोर्सेस का, अमेरिकन का, या जो इंटरनेशनल इनकी ग्रुपिंग थी एक जिसमें काफी नेटो कंट्रीज भी जी थी जी जिन्होंने ऑपरेशंस करे थे वहां पे ना अफगानिस्तान के अंदर, जी उसकी राहदारी किसने दी? सलमान शाहिद साहब वो एक्टर थे गालिबन आप जिसके बात कर सलमान शाहिद, सलमान शाह, अरे जबरदस्त, ही इज अ जी ग्रेट ग्रेट एक्टर, ग्रेट जी एक्टर, जी ओ माय आप बात गॉड। करें प्लीज। मैं जी तो बेसिकली क्या है कि फकर साहब, तो ये अफगान ये कहते हैं कि आप अमरीकियों को असला बारूद के लिए राहदारी दे सकते हैं, पर अगर भारत गंदम भेजता है आप उसके लिए राहदारी नहीं दे सकते हैं, एग्री कि एग्री अगर अगर अफगान का खून बहे तो पैसा लेके आपने उसके लिए राहदारी दे दी कि ठीक है आप बिन कासिम पोर्ट पे लैंड करवाएं अपना सामान और तोरखम तक आप ले जाएं दनदनाते हुए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल और वहां पे और आप खूब पैसे वैसे लें जो भी आपको करना है, कोलिशन का फंड जो है और उससे आपने पैसे लिए और अरबों डॉलर लिए, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी है इसको लेके। जी बिल्कुल बिल्कुल लेकिन अफगानों का ये कहना है कि साहब अच्छा जब अफगानिस्तान के अंदर फसाद होना था तब पाकिस्तान ने अलाउ करा और 20 साल तक अलाउ करा, और भारत कह रहा है कि एक हफ्ते की राहदारी दे दो, हमें भूखों के लिए अनाज भेजना है, भूखों के लिए गंदम भेजना है, तो उसमें प्रॉब्लम है, उसके लिए क्यों मना? ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसलिए बिल्कुल ये ठीक। उनका सोच है। जी और बिल्कुल इंपॉर्टेंट एक लास्ट क्वेश्चन मौलाना मसूद अजहर के हवाले से, जी 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 जो पाकिस्तान ने लेटर लेकर अभी पूछा भी गया बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने से कि भाई आप लोगों ने किया क्या, हालांकि यहाँ पे भी इस्लामाबाद में जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने भी इससे पहले कोई जवाब नहीं दिया कि हमने लेटर लिखा या नहीं लिखा, लेकिन हिंदुस्तान सॉरी अफगानिस्तान ने कहा कि भाई हमारे पास आपका मौलाना मसूद अजहर वगैरह इस तरह का नाम का कोई बंदा हमारे पास नहीं है। उस पे सर थोड़ा सा आपका टेक चाहूंगा फिर वाइंड अप करें। देखिए मैं फकर साहब, मुझे नहीं पता मौलाना मसूद अजहर कहाँ है, लेकिन वो कहीं पर भी हो, बात पाकिस्तान के ऊपर आई कि भावलपुर का रहने वाला है वो, जी बिल्कुल और जैश 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 मोहम्मद का हेड है। अब वो अमेरिका में रहे, कनाडा में रहे, लंदन में रहे, अफगानिस्तान में रहे, ही हैज अ पाकिस्तानी पासपोर्ट, ठीक है। और आपके जो व्यूअर्स हैं, जो नाजरीन हैं, जो देख रहे हैं, उनको मैं बताता चलूं कि मौलाना मसूद अजहर वो था जिसने अपने लोग भेजे थे, आदिल अहमद डर जो था सुसाइड बॉम्बर पुलवामा का, वो जैश मोहम्मद का था, और जैश मोहम्मद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुलवामा मैसेकर, जो हमारे CRPF के 40 जवान जो वीरगति को जी प्राप्त हुए बिल्कुल हाँ वो जैश मोहम्मद का एक्शन था। तो फकर साहब ये है ना कि इसमें बोलना कि यहां पे नहीं है और इनका लिखना, वो क्यों कर रहा है? वो अक्टूबर में FATF आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा एक माहौल बन रहा है ना कि अब हम थोड़ा सा माहौल बना लेंगे और ये हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इन तिलों में तेल नहीं है। बिकॉज ना देखिए, कश्मीर का नाम मेंशन करना ये भी एक बहुत बड़ा एक सिग्नल है कि इनका तो मन चाह ही रहा होगा कि कश्मीर पे दो तीन बयान तगड़े दाग दें, लाल किले पे सब्ज परचम वाला एक दाग देते हुए, SCO से दाग भी देते हुए, कोई बात नहीं, हम भी माइंड नहीं करते, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि नोबडी हैज द एपेटाइट, द वर्ल्ड, वो कश्मीर फटीग है एक वर्ल्ड में, जी एक जी कश्मीर फटीग है बहुत। अब आखिरी आखिरी एक और आपकी इजाजत, आखिरी जुमला जी एक जी प्लीज ऐसा फकर साहब कि आप देखिए ना कि इसको पूरे जैसे कश्मीर के बारे में जो पाकिस्तान का बयानिया रहा है शुरू से जी बिल्कुल कि कश्मीर के बारे में, उस कश्मीर का बयानिया में आप ये देखिएगा कि ऊपर से नीचे तक अप्स एंड डाउन बहुत आए हैं, उसमें अप्स एंड डाउन बहुत आए हैं, बिल्कुल सर और अब ये शेर की सवारी बन के रह गई है कि अब क्या करें, मतलब करें क्या आप कश्मीर के बारे में, व्हाट शुड वी डू? क्योंकि हमने पब्लिक को तो चने की जाल के ऊपर चढ़ा दिया भाई, पब्लिक को तो आपने इतना, आपने पब्लिक को चाबी दे दी कश्मीर को लेके कि अगर आप कश्मीर के ऊपर नहीं करें, रेड़ी वाला, मैं उनके इंटरव्यू आप जो लेते हैं यूट्यूबर्स, जी रेड़ी बिल्कुल वाला जो सर है, बिल्कुल जो दुकानदार है, जो सड़क पे चलता है, जूस वाला है, कबाब वाला है, फल वाला है, ड्राई फ्रूट्स वाला है, आप उनको देखिए, वो कहते हैं, वो कहता है कि वो पैसा देने को तैयार है,
वो कहता है कि वो यंग लड़का है 18-19 साल का, कह रहा है मेरी शादी नहीं हुई है, मेरा निकाह नहीं हुआ है, पर अगर मेरे बेटे होंगे मैं उनको कश्मीर जात। वो क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि उसको सिखाया गया है वो, ठीक है। तो जो 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 अशराफिया था उनके तो बच्चे ऑक्सफोर्ड में चले गए, और जो गरीब बिल्कुल था उसके बच्चे कश्मीर। बिल्कुल।